कारोबार की दुनिया में जिस तेजी से भारत का सिक्का चमक रहा है उससे हर कोई हैरत में है। आलम यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आकर अपने कारोबार को चमकाने की कोशिश कर रही हैं। अब चाहे एप्पल जैसी गैजेट्स और लैपटॉप डेस्कटॉप बनाने वाली अमेरिकी दिग्गज कंपनी हो या फिर पूरी दुनिया में अपने कंटेंट का लोहा मनवाने वाली नेटफ्लिक्स हो, सबको भारत से ऐसे कारोबारी गुण मिल रहे हैं जिनसे इनके धंधे में नई जान आ गई है। एप्पल भारत में अपने रिटेल स्टोर खोल रही है। कंपनी के सीईओ टिम कुक इन स्टोर्स के उद्घाटन के लिए खुद भारत के दौरे पर हैं। कभी भारत के बाजार को कमतर आंकने वाली एप्पल आज अपने ज्यादातर स्मार्टफोन भारत में बनाने की मुहिम में लगी है। भारत में बने आईफोन दुनिया भर के बाजारों में बिकने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ नेटफ्लिक्स के साथ हुआ है। 1.5-2 साल पहले की बात है, नेटफ्लिक्स का धंधा बुरी तरह से गड़बड़ा गया था। नए सब्सक्राइबर्स जुड़ नहीं रहे थे और पासवर्ड शेयरिंग के चलते कंपनी को तगड़ा चूना लग रहा था। उसे भारत के बाजार में मिला एक बड़ा सबक। कंपनी को भारत में सस्ते यानी अफोर्डेबिलिटी के कॉन्सेप्ट का पता चला। उसे सबक मिला कि भाई धंधा चलाने का एक ही उसूल है कि कीमतें थोड़ी कम रखो। बस नेटफ्लिक्स ने पिछले साल अपने पैक्स के दाम घटा दिए। कीमतें घटने से नेटफ्लिक्स को ना सिर्फ भारत में फायदा हुआ बल्कि इससे दुनिया भर में उसका धंधा चमक गया। वो ऐसे हुआ कि भारत से मिले सबक को नेटफ्लिक्स ने दुनिया के बाकी 116 देशों में भी लागू कर दिया, यानी इन देशों में भी उनके सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी और फिर तो जैसे चमत्कार सा हो गया। 2023 की पहली तिमाही के नतीजे इस बात की गवाही देते हैं। 2023 की पहली तिमाही में भारत में नेटफ्लिक्स का एंगेजमेंट करीब 30% बढ़ गया। नेटफ्लिक्स ने दिसंबर 2021 में भारत में अपने सब्सक्रिप्शन पैक्स को 20-60% तक घटा दिया। नेटफ्लिक्स ने अपने तिमाही नतीजों के ऐलान में इस बात का जिक्र भी किया। नेटफ्लिक्स ने कहा कि हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2022 रेवेन्यू में इनकी हिस्सेदारी 5% से भी कम है, लेकिन हमारा मानना है कि इन मार्केट्स में जिस तरह से नेटफ्लिक्स के ग्राहक बढ़ रहे हैं इससे हमें लंबे वक्त में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद मिलेगी। 2023 की पहली तिमाही यानी Q1 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर $8.16 अरब पर पहुंच गया है। हालांकि कंपनी के नतीजे उम्मीद से कमतर ही रहे हैं, लेकिन उसे उम्मीद है कि इस साल की दूसरी छमाही में उसकी ग्रोथ और तेज हो जाएगी। नेटफ्लिक्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका, कनाडा और लैटिन अमेरिका से आ रही है। इन इलाकों पर बड़ी तादाद में लोग दूसरों के अकाउंट पर नेटफ्लिक्स देखते हैं, इससे कंपनी को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे लोगों की तादाद 10 करोड़ से ज्यादा है। नेटफ्लिक्स ने प्लान बनाया था कि पासवर्ड शेयरिंग करने वालों से वो शुल्क लेंगे। अब हालांकि उसने इस योजना को अगले कुछ महीनों के लिए टाल दिया है। 2023 की शुरुआत नेटफ्लिक्स के लिए सुस्त रही। पहली तिमाही में बाजार के अनुमान से कम केवल 17.5 लाख नए कस्टमर्स ही कंपनी के साथ जुड़े। इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि इस दौरान नेटफ्लिक्स के साथ 24.1 लाख नए कस्टमर्स जुड़ेंगे। अब कंपनी को लग रहा है कि पासवर्ड शेयरिंग प्लान और एडवर्टाइजमेंट वाले पैक के साथ दूसरी छमाही में उसे ग्रोथ को रफ्तार देने में मदद मिलेगी। नेटफ्लिक्स अपने इन्वेस्टर्स से ये भी कह रही है कि उन्हें सब्सक्राइबर एडिशंस के आंकड़े देखने की बजाय सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए। नेटफ्लिक्स ने पहली तिमाही में $2 अरब से ज्यादा फ्री कैश फ्लो हासिल किया है और साथ ही इसकी नेट इनकम 1.31 अरब डॉलर रही है। नए कस्टमर्स के लिहाज से नेटफ्लिक्स के लिए एशिया पैसिफिक रीजन सबसे बड़ा सोर्स रहा है। इस तिमाही में कंपनी ने 14.6 लाख नए कस्टमर्स हासिल किए। भारत में प्राइसिंग को कम करना इसकी सबसे बड़ी वजह रही। नेटफ्लिक्स को भारत में मिला ये कारोबारी सबक दूसरे मार्केट्स में भी उसके लिए सफलता के दरवाजे खोल सकता है। एप्पल को भी ये बात समझ आ चुकी है कि उसकी बादशाहत भारत को शामिल किए बगैर कायम नहीं रह पाएगी।